हेलो एवरीवन मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक के बारे में क्योंकि यस बैंक के जो रिजल्ट है वो यहां पे देखने को मिल रहे हैं और रिजल्ट है उतने भी निराशाजनक नहीं है मार्केट में जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा खासा यहां पे रिस्पांस किया है और रिजल्ट को देखते हुए मार्केट क्या रिएक्शन कर सकता है वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर अभी हमें बाइंग का मौका बन रहा है या फिर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है वीडियो में जानेंगे सब कुछ लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जिमन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बेलाइकॉन बीट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे देखिए स्टॉक जो है चौबीस रुपए नब्बे पैसे के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है पिछले दिन देखा जाए तो अच्छी ठीक ठाक तेजी थी जीरो पॉइंट एट वन परसेंट की एक परसेंट के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रहा था पिछले पांच दिनों में बात करें तो जीरो पॉइंट टू जीरो परसेंट की गिरावट है ना ही कोई उतनी बड़ी तेजी है ना ही कोई उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने की बात किया जाए तो 20 परसेंट के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है और पिछले छह महीने की बात किया जाए तो 46 परसेंट के आसपास यहाँ पे तेजी है और हालांकि अगर आप चैनल चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो इस लेवल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था बैंक के फंडामेंटल के बारे में कि आप इसको बाइंग कर सकते हैं बैंक पुराने जो प्रॉब्लम से उससे हट करके उभर करके आगे उभर बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और हालांकि पिछले दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने बताया था कि एनपीए को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है तो इस वीडियो में मैं उस एनपीए के बारे में भी बात करूंगा और क्वार्टरली नतीजों में जो एनपीए का हाल रहा है वो भी डिस्कस करूंगा और देखिए यहाँ पे जब ये बैंक था पिछले साल की मैं बात करूँ तो उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे ठीक है पहला तो इनका लोन का प्रॉब्लम चल रहा था कंपनी अच्छा खासा जो प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी और जो कंपनी ने बहुत सारे चीजें अपने गिरवी रखे थे शेयर्स वगैरह और जो उनका लॉक इन पीरियड था जो भी पी एस यू बैंक्स थे इनके साथी बैंक्स वगैरह जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स वो, बैंक थे वो यस बैंक ने खरीदारी करी थी दस ग्यारह रुपये के आसपास के और उनका जो लॉक इन पीरियड था वो थ्री इयर्स के आसपास था तो जिनका बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने वाला है और बहुतों ने अपने शेयर्स भी यहाँ से बिक्री किए हैं और बहुतों ने अभी तक होल्ड करके इसको रखा हुआ है और हालांकि इस आए दिन यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता था और जब भी स्टॉक टॉप पे जाता था यहाँ पे जब जब तेज़ी आती थी तो हर तेजी के बीच में आपको यहाँ पे बिकवाली देखने मिलती थी और फिर से स्टॉक गिर जाता था लेकिन अब बात किया जाए तो जो स्टॉक इसमें है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रखेंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बिजनेस करेंगे और अभी आप ये सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा बैंक कर अच्छा करती है तो इसके प्राइसेस में आपको डेफिनेटली हाई देखने को मिलेंगे और उसी रिजल्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे पिछले पाँच साल की बात करें तो कभी एक टाइम था जब स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा था टू हंड्रेड टू फिफ्टी के आसपास और उसके बाद गिरा गिरा और काफी ज्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली ठीक है ये जो स्टॉक था वो दस रुपये का एक सिंगल डिजिट का होता हुआ भी दिखाई दिया था और ग्यारह रुपए बारह रुपए के आसपास में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी बैंक में दिवालिया की खबरें यहाँ पे देखने को मिली थी लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो Q3 नतीजे की बात कर रहे हो क्योंकि बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा जंप यहाँ पे देखने को मिला है अगर मैं बात करूँ तो जो वॉल्यूम्स है 21 करोड़ के आसपास का से भी ज्यादा का शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है और अकॉर्डिंग टू तो मनी कंट्रोल यूजर की मैं बात करूँ नाइन्टी बाइंग रिकमेंडेशन है एट सेल करने की और जीरो होल्ड करने की देखिए जहाँ तक बात करेंगे कि जो अभी तक जो अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिला है तो क्वार्टरली रिजल्ट आज ही यहाँ पे देखने को मिला है जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ डिविडेंड की बात करें तो अभी आप भूल ही जाइए कि ये बैंक आपको डिविडेंड देगा क्योंकि बैंक ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है लेकिन जिस प्रकार से ये नंबर्स अपने बढ़ा रहा है आने वाले टाइम में ये भी बैंक आपको बोनस दे सकता है क्योंकि बहुत सारे बैंक है यस बैंक ही नहीं बहुत सारे बैंक में प्रॉब्लम था जब शायद मैं पीएनबी की बात करूं या फिर एक दो और बैंक है जो पहले प्रॉब्लम में थे लॉसेस में थे लेकिन अब मैं बात करूं कि वो प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ने के बाद वो डिविडेंड देना स्टार्ट कर दी यहाँ पर और ख़ास करके सरकारी बैंकों ने यह नियम बनाया है कि अगर वो पैसे बनाती है तो डिविडेंड भी देगी यहाँ पर और प्राइवेट बैंकों ने भी ये प्रचलन शुरू किया है कि पैसे बनाने के बाद डिविडेंड भी देती चाहे मैं आईडीएफसी की बात करूं या फिर मैं इंडोशियन बैंक की बात करूं वो भी डिविडेंड देना यहां पे स्टार्ट कर दिए हैं रिजल्ट के बारे में बात बार करूं रिजल्ट देखिए थोड़ी बहुत यहाँ पे तेजी देखने को मिली है रिजल्ट में तो देखिए रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है यस बैंक क्यू थ्री रिजल्ट नेट प्रॉफिट सोर्स थ्री फोर नाइन पॉइंट सेवन परसेंट टू आर एस टू थर्टी वन पॉइंट सिक्स करोड़ एसेट क्वालिटी स्टेबल बैंक ग्रोथ नन परफॉर्मेंस एम पी एस टू एट पॉइंट लास्ट ईयर तो देखिये जो नन परफॉर्मिंग एसेट्स ना वो टू पॉइंट जीरो परसेंट है लेकिन इनका जो नेट एंड पी ए है ना वो जीरो पॉइंट नाइन परसेंट बढ़ गया है तो ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा की इस जो न्यूज से मार्केट कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे नेगेटिव न्यूज है कि जो कंपेयर था मार्केट में कंपनी ने लोगों ने रिकमेंडेस किया था कि लगभग चार सौ पंद्रह करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट होगा जो इनके ग्लोबल का यहाँ पे रिसर्च था लेकिन जो प्रॉफिट है वो इससे काफी ज्यादा कम हुआ दो सौ इकतीस करोड़ के आसपास ही सिमट गया यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड फिजकल थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट सर्ज मोर देन प्रोफाउंड बट फेल शॉर्ट फॉर्म एनालिसिस एस्टिमेट जो एनालिस्ट ने एस एम एस यहाँ पे एस्टिमेट बनाया था उससे काफी ज्यादा कम है और एनालिस्ट कौन है यहाँ पे तो पी ए ग्लोबल है काफी बड़ा ब्रोकरेज हब हाँ है रिसर्च हब हाँ है हमारे कंपनी का द लेंडर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एन पी ए रिमाइंड स्टडी एट परसेंट इन द द्री मंथ इंडेडर थर्टी वन वाइल नेट एनपीए इम्प्रूव टू जीरो पॉइंट नाइन परसेंट देखिए तो इसी के बारे में बात कर रहा था जीरो पॉइंट नाइन परसेंट के आसपास का एन पी एम पे इम्प्रूव हुआ है नेट इनकम एन आई आई इंक्रीज टू पॉइंट थ्री परसेंट फ्रॉम अ ईयर अर्लियर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रोज 4.5.4% पॉइंट टू आर एस एटी सिक्स फोर करोड़ तो रेवेन्यूज भी अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है लगभग 5.4% परसेंट के आसपास का यहाँ पे जंप देखने को मिला और रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे रिजल्ट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है आप देख सकते हैं पिछले साल जो प्रॉफिट था वो लगभग पचपन करोड़ का भी प्रॉफिट था और उसके मुकाबले अभी टू फोर्टी टू फोर्टी सिक्स करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना है और पिछले साल की बात करें तो टू टू नाइन करोड़ के आसपास का, का यहाँ पे प्रॉफिट था तो देख सकते हैं ये दो तीन चीज़ें बैंक में हुई है और जो अच्छा हम कह सकते हैं यहाँ पर और हालाँकि बिजनेस की मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू ग्रो के एनालिस्ट यहाँ पे जो है जीरो परसेंट बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे हैं और होल्ड करने के लिए ट्वेंटी सेवन परसेंट सेल करने के लिए सेवेंटी थ्री परसेंट मार्केट कैप जो है सेवेंटी वन थाउजेंड करोड़ के आसपास की है और पी रेशियो की मैं बात करूँ तो पी रेशियो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस स्टॉक में कि लोग क्या करें एटी फोर रुपीज़ का पी रेशियो है एटी फोर रुपीज़ बानवे पैसे का और सेक्टर पी पी है जो उन्नीस रुपये चौवालीस पैसे का है। मतलब वैल्यूशन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक आपको लग रहा होगा चौबीस पच्चीस का शेयर है ले लेते हैं सस्ता ही मिल रहा है आगे बहुत ज़्यादा जाएगा लेकिन वैल्यूशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल्स भी आप देख सकते हैं कि उतने ज्यादा अच्छे नहीं है जो एनालिस्ट ने बनाया था उससे काफी ज्यादा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात तो, uh, की बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जीरो पॉइंट जीरो जीरो है प्रमोटर यहाँ से भाग चुके हैं म्यूचुअल फंड की बात करें जीरो पॉइंट वन फोर परसेंट पे है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें फोर फोर्टी टू पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट फॉरन इंस्टीट्यूशन की बात करें ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन नाइन परसेंट रिटेल ऑर्डर की मैं बात करूँ तो थर्टी फोर पॉइंट जीरो वन परसेंट है जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर शेयर में, में कभी टाइम था जब कंट्रोल में होते हुए दिखाई दिया है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो स्टॉक अच्छा खासा कर रहा है लेकिन हाँ जो वेल्युएशन है महंगा है एनपीए का प्रॉब्लम है और रिजल्ट जो है कि उतनी ज्यादा अच्छा नहीं है अच्छा है ठीक ठाक है ईयरली जो है काफी बड़ा जंप है लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो क्वार्टरली उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली जो जा ज़्यादा ही की कुछ ज, जो इन्होंने एनालिस्ट का जो राय था वो फुलफिल ये बैंक नहीं कर पाया है तो जहाँ तक हम बात करेंगे अभी फ्रेश बाइंग के लिए तो थोड़ा सा यहाँ सा वेट करो क्योंकि जब ये स्टॉक उन्नीस बीस रुपये के आसपास था हमने काफ़ी सारा वीडियो इस पर ऊपर बनाया था अगर आप चैनल का रेगुलर फॉलो करते हो तो और अभी अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप मैं थोड़ा सा करेक्शन जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है लगभग ट्वेंटी परसेंट के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है केवल एक महीने में तो यहाँ से करेक्शन जरूर देखेगा स्टॉक में और बीस रुपये के आसपास स्टॉक अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म में जो भी इसके पास अभी स्टॉक है तो आप वो स्टॉक भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में बैंक में काफी ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वीडियो बस इतना ही अगर आप चैनल पर नए हो तो जिन उन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन बीट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू